कौन सा लड़का? जी जी नहीं नहीं मुझे मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। देखिए मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, आप एक काम कीजिए, आप मुझे फ़ोन करके टाइम बता दीजिएगा, मैं खुद आपके ऑफिस आके मिल लूँगा आपसे। ओके थैंक यू। गोविंद टेल मी, बात क्या है? वो जो वहाँ लाइफ सपोर्ट पे आदमी है उसका नाम रॉबिन है, रॉबिन देसाई। रॉबिन एक बहुत ईमानदार जर्नलिस्ट है, मेरी मैगजीन का चीफ रिपोर्टर। पिछले कुछ महीनों से उसने बिल्डिंग माफिया को अपना टारगेट बना रखा था, उनके खिलाफ लिख रहा था वो। रॉबिन इस हालत में नाला सुपारा के पास मिला, ऑब्वियसली उसे बहुत पीटा गया है, अब तक होश नहीं आया उसे। उसके ऊपरी घाव तो हील हो रहे हैं लेकिन फिर भी वो स्लिप कर रहा है। ही इज ऑल्सो हैविंग फिट्स ऑफ डिलीरियम। देखिए गोविंद, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा स्पेशलाइजेशन इज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, पोस्ट क्राइम सिनेरियो। और वैसे भी रॉबिन जब ठीक हो जाएगा तो सब कुछ बता ही देगा। नहीं, उसके ठीक होने तक इट माइट बी टू लेट। बिल्डिंग माफिया बहुत पावरफुल है, वो सारे एविडेंसेस और विटनेसेस गायब कर देंगे, पुलिस भी कोई मदद नहीं करेगी। प्लीज, ही इज माई बेस्ट मैन, आई ओ इट टू हिम। हम आपकी मदद करेंगे। अजय, इसके एक्सरेज और कपड़े कलेक्ट कर ले, और बाकी वो चीज़ें भी जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, एंड चेक अंडर हिज नेल्स। इस बार हमारे पास जो केस आया है वो बाकी केसेस से अलग है। केस असॉल्ट एंड बैटरी का है। रॉबिन देसाई एक हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट को पीटा गया और अब वो कोमा की स्टेट में हॉस्पिटल में है। उसे नाला सुपारा की एक सुनसान सड़क पे फेंक दिया गया था। हमें ये पता लगाना है कि उसके साथ ये किया किसने। हरेर, he's alive. अगर वो जिंदा है तो ये रूटीन पुलिस केस है, इसमें हम कुछ नहीं कर। मेरे लिए ये केस रूटीन नहीं है, ये केस एक मौका है सच्चे और ऑनेस्ट लोगों के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाने का। आर्यन, हमारा काम किसी की मौत होने के बाद शुरू होता है, हम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले सकते। डोंट यू एग्री विद दिस? तो आपके हिसाब से हम अपना काम रॉबिन की मौत के बाद शुरू करें? मैं चाहता हूं कि हम रॉबिन और गोविंद की मदद करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों का विश्वास सच्चाई और ऑनेस्टी पे बना रहे। और वेद साहब, मैं चाहता हूं कि हम उनकी मदद करें। ओके आर्यन, अच्छा ये बताओ हमें करना क्या है? पापा जी, सबसे पहले तो आप उनके एक्सरेज, कपड़े और नेल डिपॉजिट्स को एनालाइज कीजिए। अजय बॉक्सर, तुम दोनों उसके ऑफिस जाओ, गोविंद से बात करो, पता करो कि क्या किसी और के पास उसे मारने का मोटिव था। गाइस, लेट्स डू द राइट थिंग। हाय गोविंद। हाय, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास। हाय हाय। अरे यार, रॉबिन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दो ना। वेल, ही वाज एन ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, यूज्ड टू लिव हिज लाइफ वेरी डेंजरसली। बहुत मेहनती था वो, बहुत नाम था उसका। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन रॉबिन का एजेंडा क्या था? वो एक बिल्डर से मिलने गया था, नीरव शाह। जरा देना मुझे क्या? उनका एड्रेस। श्योर। नीरव शाह। या। वाओ। अब आप इन्हें देखिए, मैं नीरव को देख के आता हूँ। प्लीज़।
रॉबिन का टेबल कौन सा है? हमें अब्बास अली से मिलना है। अब्बास अली? यहाँ पे तो कोई अब्बास अली नहीं है। विशाखा, बॉक्सर का नाम अब्बास अली है। देखिए इस वक्त तो वो किसी केस के सिलसिले में बाहर गया। मैं आई हेल्प यू। यस, वी आर फ्रॉम द एंटी करप्शन ब्यूरो। जिस दिन वो बिल्डर से मिलने जा रहा था उस दिन आपने कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज नोटिस की उसके अंदर, उसके बिहेवियर में? नहीं, उस दिन तो सब कुछ नॉर्मल था। इनफैक्ट उसका पाँव भी ठीक हो गया था उस दिन। पाँव? क्या हुआ था उसके पाँव? कुछ नहीं, एक दिन पहले कोई खरोच आ गई थी, लेकिन जब वो अगले दिन ऑफिस आया तो सब कुछ नॉर्मल था। कुछ साल पहले केस के दौरान अब्बास अली ने एक लड़के को गिरफ्तार किया था ड्रग्स के साथ। लड़के की उम्र उस वक्त 16 साल थी। अब्बास अली ने उसे छोड़ दिया बिना किसी एक्शन। अब कुछ दिन पहले वो लड़का फिर पकड़ा गया ड्रग्स के साथ, लेकिन इस बार उसने 2 पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई और उन्हें जख्मी कर दिया। हम अब्बास से इसी सिलसिले में बात करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि अब्बास ने उस लड़के को बिना एक्शन लिए क्यों छोड़ा। ठीक है, मैं उसे बुला लेता हूं। टॉक टू सलीना एंड कन्विंस हर। हु इज शी सलीना? रॉबिन की भाभी। एक्चुअली रॉबिन के बड़े भाई का 1 साल पहले देहांत हो गया था। रॉबिन ने मुझे बताया कि सेलिना और उसके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ अनबन चल रही है। शी वॉन्टेड टू सेल द प्रॉपर्टी टू सम सैमसेरा बिल्डर्स एंड ही वाज अपोजिंग इट। आर्यन? हेलो बॉक्सर। या देर आर 2 ऑफिसर्स फ्रॉम द एंटी करप्शन ब्यूरो हियर टू सी यू। व्हाट? मैंने उनसे कह दिया था कि मैं उनके ऑफिस आके उनसे मिल लूंगा। क्या जरूरत थी एसएस के ऑफिस आने की उनको? वेल देयर हियर सो यू बेटर गेट हिम। रॉबिन यहाँ से ठीक 3 बजे निकल गया। अब वो यहाँ से निकल कर कहाँ गया? What do I know? मुझे क्या पता? अच्छा आप ये बताइए, उसके साथ आपकी मीटिंग में क्या क्या बातें हुई? उसने मुझसे रिश्वत मांगी, 1 फ्लैट। What? Look, mister, do you know what you're talking about? देखिए, जब इतना फेमस जर्नलिस्ट मेरे फेवर में आने के लिए तैयार था तो क्या आपको मैं बेवकूफ लगता हूं जो मैं उसका मर्डर करवाने की कोशिश करूंगा? सो आर यू श्योर कि उसने आपसे रिश्वत में फ्लैट मांगा? भाई साहब, इस दुनिया में हर एक ईमानदार इंसान को जीने के लिए कभी ना कभी तो अपनी ईमानदारी छोड़नी ही पड़ती है, एंड दैट्स द फैक्ट। आर्यन, वे आ दे। पैंट्री में तुम्हारा वेट कर रहा है। निया, हमें रॉबिन की बॉडी मिली जख्मी हालत में करीब 6 बजे नाला सुपारा में। क्योंकि कुछ लोकल्स ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया था इसलिए हमें एग्जैक्ट जगह तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे हिसाब से इसी के आसपास कहीं होगी। अब ये जगह मेन शहर से काफी दूर है, करीब 1.5 घंटा। तो मेरे हिसाब से करीब 4:30 बजे उसको पीटा गया और उसे जख्मी किया गया और उसके बाद 1.5 घंटे ड्राइव करके उसे यहां कहीं फेंका गया। उसके पास मोबाइल तो होगा ही। तुम एक काम करो, उसके मोबाइल नंबर को पता करो और उसके रिकॉर्ड्स चेक करो, शायद कुछ मिले। We are from Anti Corruption Bureau. I'm Raj. He's Karan. Hi. Hi. आपने उस लड़के को ड्रग्स के साथ पकड़ा था? पकड़ा था ना? हाँ, वो तो फिर छोड़ क्यों दिया? उसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया? अब इतनी पुरानी बात है ये। वो इनफैक्ट 16 साल का था, इन हिज टीन्स, और वो अपने किए पे काफी शर्मिंदा था। मैं उसे अरेस्ट कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जेल के अंदर क्या होता है। उसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता था। आप जानते हैं उसने 2 पुलिस वालों पर गोली चलाई है?
उसे सुधरने का मौका देना चाहता था बस। उसकी जिंदगी सुधरी या नहीं सुधरी, लेकिन आपकी सुधर गई। कितनी रिश्वत ली आपने उससे? एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। अब्बास अली ने अपनी जिंदगी में ना आज तक रिश्वत ली है और ना कभी लेगा। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है आप? देखिए उसकी हालत ठीक नहीं है, हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है व्हाई इज ही नॉट रिस्पॉन्डिंग? मे बी विल पावर। बुलशिट, ही इज अ फाइटर। वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। देन आई हैव नो आंसर। रिपोर्ट बता रही है कि उनके व्हाइट सेल बहुत बढ़ गए हैं, नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा। पहले हमें लगा पॉइजन, लेकिन उनके शरीर में पॉइजन के कोई भी ट्रेसेस नहीं है। व्हाट आर द चांसेस? वी कैन ओनली प्रे। आर्यन, रॉबिन के शर्ट और ट्राउजर में काफी अमाउंट में फर्टिलाइजर मिले हैं, उसके नाखून में भी। इसका मतलब जहां भी उसे मारा गया वहां पे फर्टिलाइजर्स थे, और उसके कपड़ों में कांटे और घास के तिनके भी मिले हैं। पापा जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब उसे मार के फेंका गया हो तब वो पूरी तरह से बेहोश ना हो, वो उठा और चला। आर्यन, नीरव शाह कहता है कि उस दिन रॉबिन वहां से 4 बजे निकला, और ये भी कि उस दिन रॉबिन ने उससे रिश्वत मांगी, 1 फ्लैट। रिश्वत? नहीं नहीं, ये बात तुम्हें नीरव शाह ने कही है या कोई प्रूफ भी है? अब नीरव तो यही कह रहा है, बट देयर इज नो प्रूफ। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि नीरव शाह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉबिन ने सच में समझौता कर लिया था और हमारा सस्पेक्ट कोई और है? एक बार उस जगह का पता चल जाए जहां पे उसे मारा गया था तो क्लूज मिलेंगे। जिस जगह फर्टिलाइजर थी। पापा जी, मेरे पास एक आइडिया है। आप कुछ टेस्ट रन कीजिए जिससे हमें पता चले कि जो फर्टिलाइजर उसके कपड़ों में मौजूद है वो किस तरह के क्रॉप्स में यूज होता है। ओके राइट। और अजय, तुम जाके शायना से कहो। नीरव, अरे ये कैसे पॉसिबल है कि पुलिस वालों ने रॉबिन को उसकी कार वापस नहीं की? वो तो मेरे यहां से ठीक 4 बजे निकल गया था। एक बात बताइए, आपने कहा था कि रॉबिन ने आपसे रिश्वत मांगे थे, सच है? जी, ये बात बिल्कुल सच है। ये बात रॉबिन ने मुझे खुद कही थी। What were his words? क्या उसने ये कहा था कि अगर आप उसे कुछ दे दें रिश्वत तो वो आपके खिलाफ लिखना छोड़ देगा? वैसे उसने कितने पैसे मांगे थे रिश्वत के तौर पर? उसने मुझसे डायरेक्टली कुछ नहीं मांगा। तो मेरे ऑफिस से निकलने से पहले रॉबिन ने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि मेरी कंपनी का सबसे सस्ता फ्लैट मीरा रोड में कौन सा है। और आपके हिसाब से ऐसा पूछना रिश्वत मांगना है? हाँ, देखिए मैडम, हमारे धंधे में अजीब अजीब लोग अजीब अजीब तरीके से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। कोई कारपेट मांगता है, कोई 100 किलोग्राम शक्कर मांगता है, लेकिन रॉबिन ने मुझसे पैसे नहीं मांगे। इसलिए मैंने सोचा कि किसी ना किसी एक फ्लैट के कागजात उसे भिजवा ही देता हूं। तो ऐसा आपने सोचा? ऐसा हुआ नहीं? रॉबिन एक ईमानदार आदमी है, और अगर तुमने उसकी ये हालत की है तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा पता लगाने के लिए, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। अभी के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन आपको शहर छोड़ने की परमिशन नहीं है। ठीक है,
आर्यन, आई अंडरस्टैंड। लेकिन तुम खामखा अपने आप को इतना एग्जर्ट कर रहे हो। अगर नीरव शाह खूनी है भी तो हम उसे पकड़ नहीं सकते, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं कोशिश करूंगा वेद साहब, अगर एक ऑनेस्ट आदमी के साथ ऐसा हुआ है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे इंसाफ मिले। अच्छा है, गुड। आर्यन, तुम्हारे पास तो अभी भी होप है। मेरे पास तो सीरियसली समटाइम्स आई फील दैट आई एम अ डेड पर्सन। जब आज से 2 साल पहले मेरी बीवी और बेटी की डेथ हुई, तब मुझे भी ऐसा ही लगा कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। तब मैंने अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछा कि जिस दुनिया से मैं अपना मुंह मोड़ रहा हूं उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया है। कुछ नहीं। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करूंगा, नॉट जस्ट बाय फाइटिंग क्राइम, बाय रूटिंग इट आउट। That's a great feeling. Aryan, any work for me? नहीं, अभी तो नहीं, कल सुबह तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। बॉक्सर, मुझे लगता है कि एक ईमानदार आदमी भी कभी कभी समझौता कर लेता है। जैसे हमें पता चला है कि रॉबिन ने शायद नीरव शाह से एक फ्लैट रिश्वत में लिया था, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि उसकी अपने भाभी के साथ प्रॉपर्टी को लेकर काफी प्रॉब्लम चल रही थी। कहीं तुम्हारे साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ? एक बार मुझे सच सच बता दो, क्या तुमने उस लड़के से रिश्वत ली? तुम्हारी गट फीलिंग क्या कहती है? छोड़ना यार, क्यों टेंशन ले रहा है? देखिए यार, ये एंटी करप्शन ब्यूरो वालों की बात ज्यादा सीरियसली मत ले। देख यार, वो लोग चार चार लोग बिल के एक छोटे बच्चे को हैंडल नहीं कर पाए, एक बलि के बकरे को ढूंढना चाहते थे, तुम्हें फंसा लिया बस। अरे यार, सारा ऑफिस जानता है कि तुम सही हो। बस, यू नो हाउ इट वर्क्स राइट? थोड़ा सा उन्हें झेलना पड़ेगा, दैट्स इट। हाँ गोविंद। आर्यन, रॉबिन इज डेड। मैं किसी को बॉडी लेने भेजता हूं ऑटोप्सी के लिए। आर्यन,
रॉबिन के बारे में सुना। इट्स सैड। रिच साहब, आप जल्द से जल्द कॉज ऑफ डेथ पता लगाइए। वी मस्ट फाइंड हिज किलर्स। पापा जी। हाँ आर्यन, मैंने उस फर्टिलाइजर को आइडेंटिफाई कर लिया है। किस क्रॉप्स में उसका यूज किया जाता है ये भी पता कर लिया है। उसे ज्यादातर लीफी वेजिटेबल्स में यूज किया जाता है, जैसे मूली, पालक वगैरह वगैरह। पापा जी, जहां हमें रॉबिन की बॉडी मिली थी वहां पे यही सब तो उगता है। नहीं, लेकिन तब हमारी ये थ्योरी वीक हो जाती है कि उसे वहां पे लाया गया था, क्योंकि अगर उसकी बॉडी के अंदर, मतलब उसके कपड़ों में अगर फर्टिलाइजर्स हैं, इसका मतलब वो वहीं कहीं घूम रहा था। नहीं अरे, क्योंकि ऐसा होने पर उसके कॉलर वगैरह में फर्टिलाइजर नहीं आ सकता। पापा जी, शायद उसे ऐसी जगह पे पीटा गया जहां पे पहले से ही फर्टिलाइजर था, क्योंकि क्रॉप्स में जितना फर्टिलाइजर यूज होता है वो तो थोड़ा बहुत होता है, इतना क्वांटिटी में थोड़ी कि आपके कॉलर में, आपके कपड़ों में हर जगह हो। राइट राइट, करेक्ट। मतलब इस वक्त हम ये थ्योरी मान रहे हैं कि जहां पे भी रॉबिन को पीटा गया वहां बहुत सारा फर्टिलाइजर मौजूद था। नेहा माय लव, रॉबिन के मोबाइल का क्या हुआ? मोबाइल तो नहीं मिला, लेकिन मोबाइल सर्विस कंपनी से इन्फॉर्मेशन मिली है। 4:05 के बाद कुछ 15 मिनट के गैप में उसे 5 फोन कॉल्स आए एक ही नंबर से। ये किसी पीसीओ का नंबर है। मतलब नीरव की मीटिंग से निकलते ही रॉबिन को फ्रेंटिकली फोन कॉल आना शुरू हो गए पीसीओ से, और ये पीसीओ नाला सुपारा में। हाय अब्बास, हमें तुमसे कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं। नाउ गाइस, प्लीज गिव मी अ ब्रेक, हम लोग जरूरी काम से जा रहे हैं, आप लोग प्लीज फिर कभी आइएगा। एक मिनट अब्बास, एक मिनट। देखो, कोऑपरेट तो तुम्हें हमारे साथ करना ही पड़ेगा अब्बास, वरना जो काम तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगा, समझे? सो बी कोऑपरेटिव मिस्टर। ही विल कोऑपरेट, रिलैक्स। हाँ साहब, याद आया, एक दिन एक औरत ने यहाँ से 7-8 बार टेलीफोन किया और उसके बाद गुस्से में बाहर चली गई। भैया, आपको याद है उसने बात क्या की थी? मैडम, उस दिन इंडिया और बांग्लादेश के बीच वनडे मैच हो रहा था और मैं अपने ट्रांजिस्टर से मैच का हाल सुन रहा था। जब उसने तीसरा टेलीफोन किया तो वो बहुत गुस्से में थी। शायद वो यहाँ से टेलीफोन लगा रही और सामने वाला टेलीफोन काट देता हो। इसका मतलब आपने कुछ नहीं सुना? तीसरे टेलीफोन के बाद मुझे ये लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर तुम नहीं, मैंने जब उसकी बात सुनी तो वो कह रही थी कि वो सचमुच में अपनी जान दे देगी। अब उससे बंजारों की जिंदगी जी नहीं जाती, बस अब बहुत हो गया। और उसने ये भी कहा कि अगर 1.5 घंटे में वो नहीं आया तो वो सचमुच में अपनी जान दे देगी। साहब, मैंने सोचा दो प्रेमियों के बीच का झगड़ा है, औरतें टेलीफोन पर अक्सर इस तरह की बातें करती हैं। भाई साहब, क्या आप कुछ बता सकते हैं कि उसने कहाँ पे फ़ोन किया, किस नंबर पे फ़ोन किया, ऐसा कुछ भी? जी नहीं। थैंक यू भैया। आर्यन कौन हो सकती है? माय गेस इज सेलिना। एक काम करते हैं, उसका अलिबाई चेक करते हैं, पता करते हैं कि उस वक्त वो कहाँ थी। और एक और बात, क्या वो बोरीविली वाला प्लॉट ही उन दोनों के बीच में सच्चा इशू था या प्रॉब्लम कोई और है? हाँ बोलो सर। What? Dead? मिस्टर बेग, आपके सारे बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं। बैंक अकाउंट? प्लीज प्लीज यूज योर माइंड। अगर मैंने रिश्वत ली होती तो क्या मैं उसे अपने बैंक अकाउंट में रखता? यही पता लगाने के लिए इस वक्त आपके घर पर रेड चल रही है। I can't believe this. This is harassment, simply harassment, nothing else. Mr. Abbas, harassment तो अब शुरू होगा। उस लड़के ने जिन दो पुलिस वालों पर गोली चलाई थी उनमें से एक की डेथ हो चुकी है और एक की कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। आप ही ने उस लड़के को छोड़ा था ना? रिमेंबर, इस पुलिस वाले की मौत की जिम्मेदार आप ही हैं।
रॉबिन समसारा बिल्डर्स के ऊपर कोई स्टोरी कर रहा था क्या? मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हो भी सकता है। कैन वी चेक हिज कंप्यूटर? या श्योर। ये कॉन्फिडेंशियल है। बॉक्सर ने मिस कैसे किया? वो जो कल आपके ऑफिस से आए थे, हाँ। वो एक्चुअली इस कंप्यूटर पे बैठने ही वाले थे कि कोई फोन आ गया और वो चले गए। तभी ना बॉक्सर अरे ये इंक्वायरी बड़ी पेनफुल होती जा रही है। अजय ये भी काफी मेसी है। वो रॉबिन की एंसेस्टर प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम जब से सुन रहे हैं वो उस जगह के बहुत करीब है जहां पे हमें रॉबिन की बॉडी इंजर्ड हालत में मिली। एंड देयर इज मोर। रॉबिन को ये लीड कहीं से मिला था कि अगले असेंबली सेशन में गवर्नमेंट उस जगह को नॉन डेवलपमेंटल एरिया करार देने वाली है। तभी सेलिना और वो सैमसारा बिल्डर्स चाहते थे कि ये डील जल्द से जल्द हो जाए। करेक्ट। समसारा वहां झट से कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता और उसका एरिया वहां पे ओनली डेवलप्ड एरिया होता। वो वहां पे कोई रिजॉर्ट या कुछ बनाता और खूब पैसे कमाता। रॉबिन ने इसलिए मना किया होगा क्योंकि उसे लगा अगर बाद में जाके ये बात खुली तो उस पे उंगलियां उठेंगी, उसकी बरसों की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। मतलब सेलिना और सैमसारा बिल्डर्स उन दोनों के पास उसे मारने का मोटिव हो सकता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि उन लोगों ने उसे ऐसी जगह ले जाके क्यों पीटा जहां पे लोग अपने फर्टिलाइजर स्टोर करते हैं, और वो जगह है कहां? अभी अगर बॉक्सर होता तो वो सैमसारा बिल्डर्स को इन्वेस्टिगेट करता और मैं उस जगह को जाके ढूंढता। एक काम करते हैं, पहले जाके उस प्लॉट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तुम्हारे पास उस प्लॉट का एड्रेस है क्या? हाँ। नाइट्रोफॉस्फेट विद पोटैश। आर्यन ये तो वही पेस्टिसाइड है जो रॉबिन के कपड़ों में मिला। इसका मतलब है यही उसकी पिटाई हुई है। लेट्स सर्च द प्लेस। पापा जी जस्ट चेक दिस आउट। क्या है ये? देखने से ये बैम्बू की लकड़ी का टुकड़ा लगता है। बैम्बू? अगर वार बैम्बू की लकड़ी से हुआ है तो वार करने वाले गांव के रस्टिक लोग ही होंगे। कौन हो सकता है? फोन करके बुलाया एक औरत ने और पीटा गांव के लोगों ने। अब यहाँ आसपास तो छोटे छोटे गांव ही हैं, वहीं के कोई लोग होंगे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे पैसों के लिए किया होगा उन्होंने सब। अजय तू एक काम कर, बॉक्सर को लेके जा और आस। बॉक्सर भी ना गलत टाइम पे फंस गया इंक्वायरी वालों के साथ। बट डोंट वरी गाइस, बॉक्सर नहीं है तो क्या हुआ, डॉबरमैन तो है। वाओ, शट अप गाइस। क्या करें, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स भी मॉरली काफी सस्पिशियस है, फंसेंगे तो जरूर भाई। शट अप शॉटगन, तुम भी ना। हाँ आर्यन, तुम क्या कह रहे थे? पापा जी इस वक्त तो ऐसा लगता है कि सेलिना ने रॉबिन को फोन करके बुलाया और फिर गांव के लोगों से उसे पिटवाया। ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़के ने खुद कॉन्फेस किया है कि तुमने उसे अरेस्ट ना करने के एवज में उसे रिश्वत ली है। अरे वो झूठ बोल रहा है यार, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? He's lying. मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से एक पैसा रिश्वत नहीं लिया। I'm sorry Abbas, बात हमारे हाथों से निकल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम्हें सस्पेंड किया जाएगा, तुम पर इंक्वायरी बिठाई जाएगी, दैट इज इट। What is this? तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मिस्टर अब्बास कि तुमने उस लड़के को क्यों छोड़ा। रियली मैं शॉपिंग कर रही थी। लुक सेलिना, यू आर नॉट बीइंग हेल्पफुल, और तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि तुम उस दिन उस वक्त शॉपिंग ही कर रही थी। सो यू सी वी हैव टू चेक योर हाउस, यू माइंड? सेलिना मैं काम करता हूँ,
मैं इन सबको ले जाकर एनालाइज करता हूँ बिकॉज आई एम श्योर कि इनमें से एक में उस फर्टिलाइजर के ट्रेसेस जरूर होंगे जो उस जगह पे स्टोर होता है. सो व्हाट डू यू से? तो मैं क्या करती, वो मेरी मजबूरी को समझ ही नहीं रहा था. आई वाज फेड अप. मैं अपने भाई के वहां बोझ बनकर कितने दिन रह सकती हूँ? रॉबिन ने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा. मैं उसको सबक सिखाना चाहती थी. मैंने उसको फोन करके वहां बुलाया. मुझे और तुम्हें आज मिलना है. पास के गांव से लोगों को हायर करके उसको सिर्फ पीटने के लिए बोला था. तुम नहीं आए मुझे सिर्फ पीटने के लिए. आई विल कमिट सुसाइड एंड यू विल बी रिस्पांसिबल. रॉबिन तुम तो जानते हो कि मेरे लिए एक फ्लैट लेना कितना जरूरी है और उसके लिए हमें ये प्लॉट बेचना ही होगा. प्लीज और कुछ दिन रुकोगी तो ऑल हेल वोंट ब्रेक लूज. समझते क्यों नहीं हो? आई कांट लिव विद माय ब्रदर ऑल माय लाइफ. अभी ये ब्रदर कोई आउटसाइडर थोड़ी ना है. ये तुम कैसे इलॉजिकल बात कर रहे हो? मुझे फ्लैट लेना है बस, और उसके लिए मैंने समसारा बिल्डर्स के साथ बात कर ली है. दे गिव दे गिविंग मी अ गुड प्राइस. से बात की समसारा बिल्डर्स के साथ? अभी आप इन लोगों के बारे में क्या जानते? अगर वो लोग तुम्हें अच्छी प्राइस दे रहे तो इसके पीछे उनका एक सेल्फिश मोटिव है. अभी मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि वो लोग यहां पर क्या करना चाहते हैं. You'll always find fault with everyone. That's because I know them, भाभी. चुप पे जर्नलिज्म अपने पास रखो और ये पेपर्स पे साइन करो. मैं साइन नहीं करूंगा. रॉबिन तुम एक वीडियो को चैन से जीने क्यों नहीं देते? प्लीज मुझे हमेशा ये इमोशनल डायलॉग बंद दिया करो तुम. थोड़ा पीटा था बस, फिर मैं वहां से चली गई. मुझे क्या पता था कि उसकी हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े. I'm really sorry. Excuse me. What's the matter? Who the hell are you? I'm her brother, working in defense lab. What's happening over here? Robin की डेथ हुई है. What? No. अब रोने से क्या फायदा? अपने देवर को गुंडों से पिटवाया. हाँ, हाउ अमेजिंग इज दैट? सेलिना, यू आर अंडर अरेस्ट. नो, गेट अप. अजय, तू एक काम कर, पुलिस वालों को लेके जा और उन गांव के लोगों को आइडेंटिफाई कर. जी वैद्य साहब. आर्यन, ये रॉबिन का कॉज ऑफ डेथ वो बीटिंग या इंजरी नहीं है. ही वाज सफरिंग फ्रॉम सेप्टिसीमिया, ब्लड पॉइजनिंग, बट वेरी स्ट्रेंज, उसके बॉडी के अंदर पॉइजन के कोई भी ट्रेसेस नहीं है. ठीक है, मैं आता हूं. शायना उसे छोड़ दो. विशाखा, आर्यन, इस डेथ के बारे में मेरे पास अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं. मुझे लगता है कि जो भी पॉइजन यूज हुआ वो ऑर्गेनिक था, तभी थोड़ी देर में खुद ही डिग्रेड हो गया. आर्यन, अब ये केस तुम्हारे हाथ में है. तुम टॉक्सिकोलॉजी एक्सपर्ट हो और पॉइजन्स के बारे में जितनी नॉलेज यहाँ तुम्हें है उतनी और किसी को नहीं. शॉटगन, कनेक्ट मी टू द हॉस्पिटल ऑनलाइन एंड गेट मी ऑल हिज मेडिकल रिकॉर्ड्स. ओके. Here it is. Oh my God! ये पैलेट इतना छोटा है कि मैं समझा था कोई डस्ट पार्टिकल है. ये पैलेट एक एलॉय से बना है
90% प्लैटिनम 10% इरिडियम। इस कॉम्बिनेशन से बना अलॉय स्टील से भी हार्ड होता है। इसमें जो दो होल्स है वो बहुत बारीक है, 0.35 मिलीमीटर डायमीटर। वैसे तो मैं इसे हाईटेक नहीं कहूँगा, लेकिन इसे बनाने के लिए काफ़ी क्राफ्टमैनशिप की ज़रूरत होती है। एंड यू नो इफ यू लुक एट इट बायोलॉजिकली इट्स कम्प्लीटली इनर्ट, ताकि विक्टिम के बॉडी उसको रिजेक्ट करके कोई इमीडिएट सिम्टम्स नहीं छोड़ते, जैसे कि वाइड स्प्रेड रैश, इन्फ्लेमेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। What does it mean? It means कि रॉबिन के अंदर कुछ इंजेक्ट किया गया था उस पैलेट के जरिए। But what? Okay. I might know. सबसे पहले मैंने वायरल इन्फेक्शंस और टेटनस के टॉक्सिन्स को रूल आउट किया। उसके बाद गए एंडोटॉक्सिन्स। बाकी बचे ऑर्गेनिक पॉइजन्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन रॉबिन के केस में ये भी रूल आउट हुए, क्योंकि रॉबिन की बॉडी में इन पॉइजन्स के कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। सब कुछ देखने के बाद मुझे एक ही बात समझ में आई, रीसन एक ऐसा पॉइजन है जो कि कैस्टर बीन से बनता है। एक तो ये इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है, दूसरा इजीली अवेलेबल भी नहीं है सिवाय डिफेंस लैब्स के। रीसन इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल वॉरफेयर। रॉबिन की मौत पूरी प्लानिंग से हुई। किसी ने 0.2 मिलीग्राम रीसन उसकी बॉडी में पैलेट के जरिए इंजेक्ट किया, एंड 0.2 मिलीग्राम रीसन इज लीथल। लेकिन आर्यन, ये पैलेट रॉबिन की बॉडी में डाला कैसे गया? मुझे लगता है किसी हाई पावर्ड कंप्रेस्ड एयर गन से। हाँ, लेकिन इतना सब कुछ करने के लिए यू नीड टू हैव समवन विद अ टेक्निकल माइंड। एग्जैक्टली, एंड समबडी हु हैज गॉट एन इजी एक्सेस टू रीसन। आई एम श्योर इट हैज टू बी समवन कनेक्टेड विद द डिफेंस लैब्स। इट इज कौन? जिमी, सलीना का भाई, वो साइंटिस्ट है डिफेंस लैब्स। क्या चाहिए आपको? We have a search warrant. Okay. So, Mr. Poison Ivy, this is your arrest warrant. So, is this why you became a scientist? No. मैंने जो कुछ भी किया आपकी बहन की वजह से किया। ये बहुत बुरे हाल में थी। रॉबिन प्रॉपर्टी बेचने नहीं दे रहा था और मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं इसे घर दिला सकूं। रॉबिन को बस एक साइन ही तो करनी थी। बस मैंने सोच लिया कि आई विल डू इट विद रीसन। मैंने ब्लाइंड मैन का गेटअप डाला। क्यों, किसी ने बताया नहीं तुझे? और स्टिक में पैलेट लगाकर उसके पैर में इंसर्ट कर दिया, जिसमें रीसन था। इसकी मौत एक नेचुरल कॉजेस की वजह से कहलाती और किसी को पता भी नहीं चलता, और सारी प्रॉपर्टी अपने आप सलीना के नाम हो जाती। और ऐसा ही होता भी अगर सलीना ने अपना दिमाग लगा के उसे पिटवाया नहीं होता। Excuse me. अब ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बॉक्सर एक बहुत ही ईमानदार और काबिल ऑफिसर है, और इस बात की गारंटी मैं खुद लेने को तैयार हूं। अगर ये इतने ही काबिल और ईमानदार ऑफिसर हैं, तो फिर इन्होंने ऐसी गलती कैसे की? हम सिर्फ यही जानना चाह रहे हैं, नथिंग एल्स। गलती? हाँ, ये गलती है मेरी से। मैंने गलती की है क्योंकि मैं भी उसी गरीब तबके से बिलोंग करता था जिससे वो लड़का, जिसे मैंने गिरफ्तार किया और छोड़ दिया। गरीबी में पलने के
वजह से मुझे भी पैसे कमाने की ख्वाहिश थी। उसी ख्वाहिश की वजह से मैंने वो काम किए जिन्हें दो नंबर का कहा जाता है। फिर वो रास्ता मुझे वहीं ले गया जहां अक्सर लोग जाते हैं। इंस्पेक्टर दामले, मुझे आज तक उसका नाम याद है। वो मेरी जिंदगी में एक मसीहा बन के आया था। जब उसने मुझे पकड़ा था ना, तो उसने मुझे यह कहा कि मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त अरेस्ट करके जेल भेज सकता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूं। शायद तुम्हारी इससे जिंदगी सुधर जाए। और मैंने उस मौके का फायदा उठाया और आज यहां हूं तुम लोगों के बीच। जब मैंने उस लड़के को पकड़ा ना, मुझे भी उसके अंदर अब्बास दिखा। मैंने सोचा उसे क्यों ना मौका दूं। एक मौका शायद उसकी जिंदगी बन जाए। लेकिन उसने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। ओके, दैट्स इट। तुम्हारे घर से रेड में कुछ नहीं मिला बॉक्सर। वी आर सॉरी बॉक्सर, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हम इस केस की फाइल बंद कर रहे हैं और तुम्हारे अगेंस्ट सारे चार्जेस वापस लिए जाते हैं। थैंक यू। आज तो आपके साथ हम भी फूकेंगे।